आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। ये क्लास ट्वेल्थ और एमएससी के लिए, एमएससी सेमेस्टर वन में है। इस पर प्रॉब्लम बनाना है और प्रैक्टिकल में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा, इसलिए सभी इसको प्रैक्टिकल कॉपी में भी, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी नोट्स बनाएंगे और साथ ही साथ इसको नोट्स बनाएंगे। इसको हम दो लेक्चर में करेंगे। आज पहला लेक्चर है पेडिग्री एनालिसिस का, नेक्स्ट डे में हम एग्जांपल समझाएंगे। पेडिग्री, व्हाट इज पेडिग्री, पेडिग्री किसे कहते हैं? पेडिग्री एक रिकॉर्ड है जो किसी भी फैमिली के अंदर एक इनहेरिटेबल डिजीज को या उसकी पॉसिबिलिटीज को कई जनरेशन तक देखा जाता है और उसी का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ डिसेंट ओवर जनरेशंस इन विच नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और एज ए फैमिली ट्री। यानी किसी भी एक आदमी की फैमिली ट्री हम लेते हैं, उसके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को ग्राफिकली दिखाते हैं, साथ ही साथ एक पार्टिकुलर ट्रेट, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया या अल्बिनिज्म या पेंटाडेक्टाइली या ये सब कैरेक्टर्स को हम क्या पॉसिबिलिटी है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रिकॉर्ड का नाम पेडिग्री है। रिकॉर्ड ऑफ डिसेंट ओवर जनरेशंस, कई जनरेशन तक हम स्टडी करते हैं, इन विच नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली और एज ए फैमिली ट्री। ये तो पेडिग्री का डेफिनेशन हुआ। अब पेडिग्री एनालिसिस, स्टडी ऑफ ए पेडिग्री फॉर ए फ्यू generations फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्सेप्शनल phenotypes एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस इन ए पार्टिकुलर generation। यानी उसी का जो हम एक स्टडी करते हैं किसी भी पार्टिकुलर generation में उस फैमिली ट्री का, उसके अकरेंस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोबैंड। प्रोबैंड द अर्लिएस्ट एंसेस्टर्स अफेक्टेड फ्रॉम विच पेडिग्री एनालिसिस बिगिंस, इसको हम प्रोपोसीटस भी कहते हैं। प्रोपोसीटस या प्रोबैंड मतलब ये हुआ कि जैसे ये पेरेंट है, अब यहां पर ये पेरेंट अफेक्टेड है, तो यहीं से फैमिली ट्री शुरू होता है, इसी को हम प्रोबैंड कहेंगे, जहां से कि हम एनालिसिस स्टार्ट किए हैं। रीजन फॉर नॉट कैरिंग आउट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट, यानी क्यों हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन ट्रेट्स को जानने के लिए नहीं करते हैं। जनरेशन पीरियड इज लॉन्ग, 20 से 25 साल इसका जनरेशन पीरियड होता है। ट्रेट्स इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक फैक्टर से नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर से वो अफेक्टेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रोजेनी ऑफ ए कपल इज स्मॉल, एक आदमी को कितने बच्चे होते हैं, 2, 4, 6, 10, 11, 12, ये स्मॉल प्रोजेनी होता है। प्योर ट्रेड्स आर रेयरली ऑब्जर्व, इसलिए कि ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए मिक्स्ड पॉपुलेशन है, इसीलिए किसी में भी प्योर ट्रेट्स का मिलना जरा परेशानकुन है। अनप्लान्ड मैरिज, मैरिज जो है अनप्लान्ड होता है, ये किसको हम अनप्लान्ड मैरिज कहेंगे, जैसे कहीं पर लड़की देख लिया शादी हो गई, या कहीं पर लड़का देख लिया शादी हो गई, उसके छानबीन का नहीं जरूरत है, उसकी हिस्टोरिकल बारे में नहीं रहा है, तो एक पार्टिकुलर ट्रेट को देख करके दोनों जगह नहीं देखते हैं, जहां रिश्ता तय हुआ हो जाता है। डिजायर्ड मैरिज बाई एक्सपेरिमेंटर इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, मान लिया कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो अगर चाहेगा कि नहीं इस लड़की की शादी इस लड़के से हो
और मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूं तो आवर सोसाइटी डज नॉट अलाउ इट। तो ये रीजन है जिससे कि हम ह्यूमन ट्रेट्स को मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स के जरिया नहीं जांचते हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग एनालिसिस, यानी जब आप पेडिग्री एनालिसिस करेंगे उस वक्त क्या क्या पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नंबर वन, जीन ट्रांसमिशन फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फ्लो है, वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। प्रेजेंस ऑफ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सी ओ मीन्स क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होता है। इफ बोथ पेरेंट्स हैव ए रेसेसिव ट्रेट और ए पार्टिकुलर ट्रेट, स्पेशली रेसेसिव ट्रेट, द चाइल्ड इज लाइबल टू हैव द सेम, यानी अगर दोनों पेरेंट को रेसेसिव ट्रेट है तो बच्चे के अंदर वो ट्रेट होना ही होना है। इन क्लोज और कजिन मैरिज रेसेसिव ट्रेट अपीयर्स मोर कॉमनली, यानी जब कजिन मैरिज होता है, आपस में मैरिज का प्रैक्टिस होता है, जैसे भाई चचेरा भाई चचेरी बहन, चचेरा भाई भाई और मेरी बहन, इस तरह का जो मैरिज होता है उस मैरिज में रेसेसिव ट्रेट ज्यादा अपीयर होता है, कॉमनली अपीयर होता है। सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, इसके लिए एक सिंबल है, ये जानना जरूरी है, सभी इसको नोट्स बनाएंगे। स्क्वायर, ये थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है लेकिन है ये स्क्वायर, खाली अगर स्क्वायर है इसको हम नॉर्मल मेल कहते हैं, और अगर खाली सर्किल है उसको हम नॉर्मल फीमेल कहते हैं, और ये अगर रोम्बस टाइप का है जिसको हम वर्टिकल स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो इससे पता चलता है कि सेक्स अनस्पेसिफाइड, यानी एक्सपेरिमेंटर को पता नहीं है कि सेक्स मेल है या फीमेल है। और इस तरह से जो ब्लैकन है या इसको हम सॉलिड स्क्वायर कहेंगे, तो सॉलिड स्क्वायर मीन्स अफेक्टेड मेल, सॉलिड सर्किल मीन्स अफेक्टेड फीमेल, सॉलिड रोम्बस और स्क्वायर वर्टिकल स्क्वायर मीन्स अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, क्योंकि यहां पर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है। और अगर ये ब्लैंक है, खाली है, और ये बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स मैटिंग बोथ द पेरेंट्स मैटिंग। और इस तरह से वैकेंट स्क्वायर और सर्किल जो है दो डबल लाइन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी इस तरह के मैरिज को कंसेंगुइनस मैरिज कहते हैं, चचेरा भाई चचेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन, और या चचेरी बहन ममेरी बहन, इस तरह से जो शादी होती है उसको हम कंसेंगुइनस मैरिज कहते हैं। और ये जो मैंने एक सिंबल बनाया है जहां पर ये और ये बीच में ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है पेरेंट्स को शो करता है, और ये जो ये हॉरिजेंटल लाइन ये ऑफस्प्रिंग को शो करता है, और ये चाइल्ड है एज पर द सीक्वेंस ऑफ बर्थ। और इसके बाद जो ये नेक्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर जो है ये मेल है और ये सॉलिड है, इसलिए मेल अफेक्टेड है, इसमें इस फैमिली ट्री में मेल चाइल्ड अफेक्टेड है, और इस तरह से जो नंबर या रोमन लेटर या कुछ लिख देते हैं बीच में, तो इसको हम जितना नंबर होगा उतना ही अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। यहाँ 5 लिख दिया तो 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, 8 लिख दिया तो 8 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है, यानी नंबर या नोमेरल्स अगर सेंटर में लिखा हुआ है और सर्किल के बीच में या इसके बीच में, इसका मतलब हुआ ये अनअफेक्टेड है। और इस तरह से जो क्रॉस या लाइनिंग कर देते हैं चाहे सर्किल में या इसमें, तो ये शो करता है कि रेसेसिव एलील है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रेसेसिव एलील है। और अगर सिंगल लाइन अक्रॉस द फिगर अगर कर देते हैं स्क्वायर का, अक्रॉस द सिंबल अगर कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑफ स्प्रिंग मर गया।
और अगर सिंबल के सेंटर पर अगर डॉट है एट सेंटर, इट ये शो करता है कि कैरियर ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट है। ये क्या है? कैरियर ऑफ सेक्स लिंक ट्रेट। और अगर ये हाफ साइड डार्कन यानी सॉलिड होता है, हाफ साइड वैकेंट होता है, तो हम इसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये सब एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। और आज आप लोग इस लेक्चर वन में जो मैंने दिया, छोटा है, आप लोग इसको देखें, इसका नोट्स बनाएं और इसको प्रैक्टिकल कॉपी में भी बनाना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम जो है 2-3-4 प्रॉब्लम लेकर के समझाएंगे कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस को सॉल्व किया जाता है, उसका क्वेश्चन को बनाया जाता है। जब आप ये बेसिक्स जान लेंगे तब आपको प्रॉब्लम करने में बहुत आसानी होगी, वरना पेडिग्री एनालिसिस के प्रॉब्लम करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आएगा, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर फ्रूटफुल हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।